बस थोड़ी देर में पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग कुछ लीजिए ना, चाय ठंडा कुछ। जी आ गया मेरा सुल्तान। अच्छा पहले करा। हाँ तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सुल्तान? आई एम गुड, आई एम गुड। समर भाई, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आई एम लेट। एक बहुत करीबी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, उसी सिलसिले में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा एंड लेट हो गया। ओहो, अब कैसा है तुम्हारा दोस्त? ही इज फाइन नाउ, लेकिन मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही है। मेरी वजह से आप सब लोगों ने इतना इंतजार किया है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इट्स ओके, हाथ से बता के थोड़ी आते अब। या अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी आंटी, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत लेट हो गया। आई एम सॉरी, मैंने आपको इंतजार करवाया। एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से मैं लेट हो गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, आओ बैठो। नहीं आंटी, जब तक आप मुझे दिल से माफ नहीं करेंगी ना, मैं बिल्कुल नहीं उठूंगा। सदके बेटा, मैंने तुम्हें दिल से माफ किया। ओ, अब यहां तो बैठ जा बेटा। और आप लोगों से भी माजरत, इतनी इमरजेंसी ना हुई होती तो मैं कभी भी लेट नहीं होता। दिन इट्स ओके, बहुत अच्छा बच्चा है माशाल्लाह। बेटा चाय पीने, जूस चाय चाय। तकल्लुफ किया आपने, मोहब्बत बड़ी बात, कमाल आपने बनाया हुआ घर माशाल्लाह। बुआ, ये आप लोगों के लिए कुछ छोटे मोटे तोहफे हैं, प्लीज। तकल्लुफ किया आपने, क्या जरूरत थी? वो खोल दो सुल्तान जरा डिग्गी का। आंटी आपने हमारा लड़का तो देख ही लिया है, अब नेक काम जितनी जल्दी तय हो जाए उतना ही अच्छा है। अब आप मुझे शादी की तारीख दे दीजिए। शादी इतनी जल्दी? बहन जी जल्दी काम, वो सर्वे साहब से हो गई बात। क्यों सर्वे साहब? अब
अब आप लोगों ने अगर तय कर ही लिया है तो ठीक है, जैसा सबको मुनासिब लगे। माशाल्लाह, बस अब तो आना जाना लगा रहेगा, इजाजत दे। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। अरे नहीं, आप लोग ठहरे हो, आओ चलो। अल्लाह जाने भाई, ये तुम्हारा ये बन्नो रानी और ये चुन्नी काकी वाला बुखार कब खत्म होगा? अब वो खातून तुमसे 2-3 साल बड़ी होंगी ना, और तुमने आंटी आंटी कही जा रहे हो। उनकी बहू जो है वो मुंह छुपा के हंस रही थी। लो जी, हो गई छुट्टी, मिल गया आपको कोई ना कोई ऐब मुझे बातें सुनाने के लिए। अच्छी खासी उम्र की खातून थी वो, उनकी और मेरी उम्र का क्या मुकाबला भला। अरे तुम तो रहने ही दो, तुम्हारा बस चले, तुम तो मेरे सुल्तान को अपना छोटा भाई कह दो। खपती बन की खपती मैं नहीं, आप हैं। अरे बस करें आप लोग, जब देखो आप लोगों ने घर में एक नया झगड़ा खड़ा किया होता है। भाव, कोई इस घड़ी को तो देखे, कितनी खूबसूरत है, बड़ी एक्सपेंसिव होगी। इसे कहते हैं कीमती तोहफे। एक हमारा खानदान है, जो चीज भी तोहफे देने के नाम पे खरीदते हैं वो थकी हुई होती है। कीमती तोहफे कीमती लोगों को ही दिए जाते हैं। 2-3 दिन रह गए हैं, तुम भी कर लो अब कोई शॉपिंग और ये मायार देख लो तोहफों का। ऐसे तोहफे खरीदने, इन्हें रहने दें। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कीमती लगने वाली चीजें कहां से आएंगी, मैं ले आऊंगी। इसकी गुर्बत नहीं निकलेगी कभी अंदर से। नहीं, मुझे आपकी चॉइस पर जरा भरोसा नहीं है। असर और मेरी शादी की शॉपिंग मैं खुद करूंगा, कोई और नहीं। अरे भला ये क्या बात हुई, पहले ही ब्लैंक चेक देके आ रही हूँ, जान अटकी हुई है मेरी। आप फिक्र मत कीजिए, वो लोग उसमें से 1 रुपया भी नहीं निकालेंगे। ट्रस्ट। फिर भी ये तो बड़ा रिस्क हुआ ना, खुदा ना करे अगर उन्होंने इनकार कर दिया और सारा माल निकलवा लिया तो हम क्या करेंगे। अरे टल्ली, मेरे सुल्तान का रिश्ता तुम्हारे रिश्तेदारों में नहीं हो रहा। उन्हें भी ना खूबरू नौजवान मिल रहा है, टोटल लॉस का सौदा नहीं हुआ जो हमारे साथ हुआ था। ये टोटल लॉस किसको कहा है? आपको बताता हूँ तुम्हें, मैं टोटल लॉस ये तो मेरा ही है, दिखाओ दिखाओ तुम्हारे ये। दादी का क्या है, ये क्या है? क्या है ये? ब्लैंक चेक। ये क्या मजाक है, पता नहीं अम्मा क्या ऐसे कौन करता है। अम्मा, अगर लड़की वालों के घर से रिश्ता जा सकता है तो ये लड़के वालों की तरफ से अप्रिसिएशन है, इज्जत दी है उन्होंने हमें, ये बहुत बड़ी बात है, एतबार किया है उन्होंने। निकलवा लेते हैं ये कोई 15-20 करोड़। इस ब्लैंक चेक का मतलब है कि एक कौड़ी भी ना निकाली जाए। अम्मा, आप उनकी अच्छी डीड को नेगेटिव एंगल क्यों दे रही हैं? अम्मा, लोग ठीक लगे आपको? मुझे तो फैमिली बहुत अच्छी लगी। मेरा तो पता नहीं क्यों दिल नहीं ठुकरा।
क्या हम इस रिश्ते को थोड़ा और वक्त नहीं दे सकते थे? अम्मा, वक्त देने से अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाता है। लेकिन सरवर, ये उम्र भर का मामला था, कोई बिजनेस डील नहीं कि एक डील में नुकसान हो जाए तो भरपाई अगले प्रोजेक्ट से हो जाए। अशरा मेरी इकलौती बहन है, बेटियों की तरह पाला है उसे मैंने। आपका क्या ख्याल है कि मैंने देखे बगैर रिश्ते पे हाँ कर दिए? मैंने प्रॉपरली देखा है उसको, हाउ ही डील्स विद पीपल, कैसा रवैया है उसका लोगों के साथ, बिजनेस में, तब जाके मैंने अप्रूव किया है। अम्मा, मैं जानती हूँ तुम एक जिम्मेदार बेटे हो, लेकिन पता नहीं क्यों सब अच्छाइयों के बावजूद मेरे अंदर एक बेचैनी सी है। होता है अम्मा, माँओं के लिए ऐसे फैसले लेना आसान नहीं होता। अब ऐसे ही आपका दिल भारी हो रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ए लड़कियों, गाना गाओ ना, आज मेरी शादी है। आज तेरी शादी है? मैं बहुत अच्छे कपड़े भी नहीं, ये मैं क्या पहनूंगी? अरे मेरा दूल्हा इतने सारे कपड़े लाएगा? क्या कर रहे होंगे आप इस वक्त? यकीनन कोई बुक पढ़ रहे होंगे और अपनी जहानत में और इजाफा कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है, हर कोई मेरी तरह आशिकजार तो नहीं होता जो हर वक्त महबूब का मुंतजर रहे। एक कॉल, एक मैसेज तक नहीं किया आपने। दावे तो बहुत करती थी तुम कि आपके बिना एक पल नहीं रह सकती, अब इतना जब्त कहां से आया? चलो देखता हूं और कितने दिन रोक सकती हो खुद को।
बंदा कम से कम एक मैसेज या कॉल करके मुबारकबाद ही दे देता है। अब तो मैं मंगेतर हो गई हूँ आपकी। मंगेतर तो मैं भी हूँ ना, मैं भी कॉल कर सकती हूँ और इसी बहाने इनकी आवाज भी सुन लूंगी। ये कहाँ चले गए? दोबारा ट्राई करती। क्या यार, आपकी इतला के लिए अर्ज है मिस्टर सुल्तान कि अब आपकी एक अदद मंगेतर है। कम से कम एक कॉल या मैसेज करके मुझे मुबारकबाद तो दे देते, पर नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हैं आप। के लिए अर्ज है मिस्टर सुल्तान कि अब आपकी एक अदद मंगेतर है। कम से कम एक कॉल या मैसेज करके मुझे मुबारकबाद तो दे देते। पहली बात तो ये कि मंगनी 2 दिन बाद है, और रही बात मुबारकबाद की, तो तुम दे देती। आफ्टर ऑल मोहब्बत का दावा तो तुमने किया था। बेकरारी से तो साबित करो। आफ्टर ऑल मोहब्बत का दावा भी तो तुमने किया था अपनी बेकरारी से, तो साबित करो। इतनी मखमूर आवाज में अगर चैलेंज के बजाय थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी केयर शामिल हो जाती तो क्या ही बात थी। अब इतना आसान थोड़ी है। पूरा का पूरा सुल्तान मिल गया, उसकी मोहब्बत पाने के लिए थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि सारी की सारी एफर्ट मुझे ही करनी पड़ेगी। लो, इतना साथ दिया मैंने तुम्हारा, वो क्या कम था? इज्जत से, अपनाइयत से सर तस्लीम खम कर दिया। कहते हैं कि शादी उससे करनी चाहिए जो तुमसे मोहब्बत करे। बड़े फायदे होते हैं, जिंदगी भर इंसान लाड उठवाता रहता है। इसका मतलब है कि मैंने तो बहुत घाटे का सौदा कर लिया है। किसने कहा था? वैसे अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, वापसी के रास्ते खुले हैं।
अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा रिलैक्स, मैं भी तैयार होने लगा। लेकिन मैं तो तैयार हो चुकी। अच्छा कहाँ जा रही हो? कहाँ जाऊंगी मैं, यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। यार तुम और हाला क्यों घर वालों के पैसे पर बात करते हो? घर बैठो, घर गृहस्थी सीखो। घर गृहस्थी आती है मुझे। Are you sure? ये तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। सुने आप बहुत बुरे हैं, बहुत ज्यादा बुरे हैं। ना 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 ना, इतनी जल्दी यूटर्न नहीं लेते। उस माँ को अपनी बर्थडे याद नहीं रहती, जब मैं विश करता हूँ ना तो बहुत खुश होते हैं। आप बहुत मोहब्बत करते हैं अपनी मंदिर से। मेरे पास मोहब्बत के लिए और है ही क्या। उठाओ ये सब गर्व और निकलो यहाँ से। ऐसे बदतमीज मखूस सर फिरे लोगों के घर काम करना मेरी भी तोहीन और मेरे हुनर की भी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? जिंदगी में आप जैसे लोगों से इस कदर वास्ता पड़ चुका है कि अब नाम जानने की भी जरूरत नहीं पड़ती। रवैये तेवर अपना तारुफ आपको दे। वो मैरिड तो नहीं है? क्यों? अगर अनमैरिड है तो फौरन प्रपोज कर दो। Try this, sister. This is my favorite. No. So one more? No, no, thank you. Try this. Thank you. So, कैसा फील कर रही हो तो? बहुत अच्छा, बहुत खुश हूँ मैं. आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं भी बहुत खुश हूं, तुम्हारे लिए ज्यादा खुश हूं। तुम्हें अपनी मोहब्बत जो मिल गई और ये लाचीज दिल भी किसी के काम आ सका। आपको आपकी मोहब्बत नहीं मिली? मिली है, लेकिन खुशी मुझे ज्यादा तुम्हारे लिए। ये तो है। और बताओ, मैं अपने घर में सबसे ज्यादा किससे करीब? शायान और बड़े भैया। और वो कौन है जो तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता? मुझे कोई भी तकलीफ में नहीं देख सकता, बल्कि मुझे आज तक तकलीफ मिली ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है। आपके सबसे ज्यादा करीब कौन है? मैं खुद। अब तुम्हें मौका दिया है ना अपने करीब आने का, अब देखना ये है कि तुम करीब आती हो या साथ रहती हो हजारों कपल्स की तरह, जो साथ तो होते हैं लेकिन एक दूसरे के करीब नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ भी रहूंगी और आपके दिल के करीब भी रहूंगी। By the way, तुम्हारा favorite color कौन सा? Red, orange, blue, green. Strange. तुम्हारे favorite colors तो बहुत dark हैं और तुमने जो शादी का dress है बहुत light color में बनवाया। वो इसलिए
क्योंकि आपको लाइट कलर्स पसंद है। इतना मेरी पसंद पर चलोगी तो फंस जाओगी। आपके मोहब्बत के लिए अगर कांटों पर भी चलना पड़ा ना तो मैं खुशी खुशी चल पड़ूंगी। I like your confidence. Confident? Confidence तो नाम का नहीं है। मैं तो बहुत डरपोक हूँ। अच्छा? लेकिन मुझे तो over confident लोग बहुत अच्छे लगते हैं। अम्मा कहती है कि over confident होना अच्छी बात नहीं होती। I disagree. इस सलाहियत की वजह से आप कभी हार नहीं मानते। मैंने खुद इस सलाहियत की वजह से इतनी बार बिल्कुल आखिरी लम्हों में जाके जीत हासिल की है। तुम्हें डर किस चीज से लगता है? मुझे गुस्से से, अंधेरे से बहुत डर लगता है। और पता नहीं क्यों हमेशा मुझे कुछ खो जाने का डर लगा रहता है। शायान है ना, वो मुझे कहता है कि मुझे साइकाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। क्यों? I don't think so. I think it's pretty normal. इंसान जिस चीज की कदर करता है, जिस चीज से मोहब्बत करता है, उसे खोने से तो डरता ही है। कितनी अच्छी बात की आपने, लेकिन वो शायान बहुत बदतमीज है। ये तो अब आप दोनों के बीच की बात है, और आप दोनों की केमिस्ट्री भी इतनी अच्छी है कि मैं इसमें कोई कॉमेंट पास ही करूंगा। बाय द वे, ये सारी तस्वीरों में से क्रॉप करके सिर्फ अपने हाथों की तस्वीर लगाई है। स्ट्रेंज। आपको बुरा लगा? मैं इतना कंजर्वेटिव नहीं हूं। बुरा नहीं लगा, बस समझ नहीं आया। क्योंकि मुझे मेरे हाथ बहुत अच्छे लगते हैं। बल्कि मुझे क्यों, भैया भाभी सब कहते हैं कि सर तुम्हारे हाथ बहुत अच्छे हैं। अच्छा? बस अच्छा, आपको मेरे हाथ अच्छे नहीं लगते? अरे भाई, इतने बड़े लोगों की राय है, मैं उसको कैसे चैलेंज कर सकता? ये भी ठीक है। बाय दिस। थैंक यू। चेहरे की रौनक देख के लग रहा है आज बड़ा ही कुछ सुकून है भाई। जाहिर सी बात है, जिनके साथ बड़ों की दुआएं होती हैं, बड़ों का प्यार हो, उनके चेहरे पर रौनक तो रहती है। वैसे माशाल्लाह जितना तुम आज तैयार होके गए थे ना, वो तो हुसन की ताब ना लाते हुए बेहोशी हो गया होगा। वैसे तुम आज बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल परियों की तरह। वैसे ये बताओ उसने कितनी तारीफ करी? तारीफ? कहाँ को गई? कहीं नहीं, मतलब मैंने महसूस किया तो वो मेरी तरफ देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरी तारीफ नहीं की। तारीफ नहीं की? देखो होते हैं कुछ मर्द जिनको लगता है कि अगर हम लड़कियों की पहले तारीफ करेंगे तो वो बाद में सर पे ना चढ़ जाए। अब हर कोई हमारी तरह थोड़ी है बेवकूफ जो नखरे और लाट उठा उठा के सर पे चढ़ा ले। आज तो तुम्हें ना ओए एक सेकंड ये लगाओ। आज तुम्हारे साथ गेम नहीं खेलूं। मूवी देख लेते हैं। शट अप। सर
दिस इज द लिस्ट ऑफ योर बिग डे, प्लीज एक दफा चेक कर लें। मैंने बिजनेस कम्युनिटी के सब लोगों का नाम इंक्लूड कर दिया है, स्टिल अगर किसी का नाम रह गया तो प्लीज मुझे बता दें। एक नाम मिसिंग है। सॉरी सर, किसका नाम रह गया? परीज है। परीज है? परीज है कौन है सर? अब बताओ क्या बात थी? मेरा रिश्ता तय हो गया आप ही के देवर के साथ। कल आप ही की सास आई थी, उन्हें मुझसे पूछे बगैर उनको हाँ करती। सुल्तान अब क्या होगा? Really? परीजे इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे पहले भी नहीं बताया। सुल्तान मुझे तो पहले खुद को भी नहीं पता था कि अब्बू मुझसे पूछे बगैर हाँ कर देंगे। सुल्तान तुम जल्द अज जल्द अपने घर वालों को भेजो ताकि मैं उस रिश्ते से मना कर सकूं। सुनो मेरी बात, सबसे पहले तुम इस मंगनी से इनकार करो। नहीं सुल्तान, अब्बू नहीं मानेंगे। जब तक मेरे पास तुम्हारे रिश्ते की ऑप्शन नहीं आ जाती, मैं किस बेस पे अब्बू को मना करूंगी? ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं सोचता हूं। मैं क्या मतलब तुम कुछ सोचते हो? घर वाले मेरी तारीख तय करने पर तुले हुए। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं भी घर जाता हूँ और घर वालों से बात करता हूँ। कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं, आप जाइए। शादी की डेट फिक्स हो गई है और तुम सिर्फ मेरे साथ बातें कर रहे हो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि वहीं पर उस जगह पर आपी की शादी हुई हुई है। सुल्तान मुझे लगता है तुम मेरे साथ सीरियस नहीं हो। तुम तो सीरियस हो ना, तो आ जाओ मेरे पास, भाग के शादी कर लेते, क्योंकि मेरे घर वाले तो शराफत से नहीं मानते और भाग के निकाह करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। सुल्तान मैं ऐसी लड़की नहीं, मैं ये कदम कभी भी नहीं उठा सकती। हाँ तो मैं भी ऐसा लड़का नहीं हूँ जो अपने माँ बाप के फैसले के खिलाफ आके तुम्हारे घर पे बैठ जाऊं तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए। मैं उनको मना रहा हूँ, जब वो मान जाएंगे तो रिश्ता लेके आ जाऊं। हाँ अगर तुम्हें नवीन पसंद आ गया है तो वो एक अलग बात है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी परी। सुल्तान तुम मेरी पोजीशन नहीं समझ रहे हो। मैं तुम्हारी पोजीशन समझ रहा हूँ, और अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है उस नवीन से शादी करने का तो कर लो यार। मुझे बता दो, क्योंकि मैं तो अपने घर वालों को मना रहा हूँ, और जैसे ही वो मानेंगे उनको लेके मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा रिश्ता लेने के लिए। माय गॉड, मैंने तुम्हें तसल्ली देने के लिए फोन किया था, तुमने तो उल्टा मेरा ही दिमाग खराब कर दिया। मेरी वजह से तुम्हारा दिमाग घूम रहा है, मैं तुम्हारा दिमाग खराब कर रही हूं ना? तो ठीक है सुल्तान, इस सिलसिले को, इस टॉपिक को यहीं पे खत्म कर देते हैं, क्योंकि मैं इस तरह से सूली पे लटक लटक के थक गई हूं। हाँ ठीक है ठीक है, जाओ जाके शादी कर लो अपनी बहन के देवर से, मेरा दिमाग मत खराब करो। बाय।
अब आप रेडी हैं? माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं। अब हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अपने घर के टेरेस पर आओ और बाहर देखो। मुझे अंदाजा नहीं था तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकूंगा यार। मैंने बहुत कोशिश की अपने घर वालों को मनाने की, उन्हें तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजने की, नहीं भेज सका। इसलिए सोचा कि अगर मरना ही है तो तुम्हारे सामने क्यों ना मरूं। इसमें जहर है और ये जहर मैं आज तुम्हारे सामने पीऊंगा। सोचा मरने से पहले आखिरी दफा तुम्हें देख लूं। सुल्तान तुम पागल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या करने लगे हो तुम? मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। सुल्तान पागल हो गए हो क्या? चाहो तो तुम्हें कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। परीजे ना मिली तुम्हें क्या मिला? सुल्तान मेरी अभी शादी होने वाली, देखो मैं दुल्हन बनी हुई। शादी तो तुमसे मैं भी कर लूंगा, तुम सिर्फ हाँ तो कहो। अभी इसी वक्त लेकर जाऊंगा तुम्हें, निकाह करूंगा। बताओ चलोगी आओगी या फिर यहां खड़े होके मेरी मौत का तमाशा देखोगी? आज तुम्हारी शादी है ना, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर तुम आई तो ठीक, वरना ये जहर मैं पी लूंगा। एक, दो, तीन। पागल हो गए तुम? चलो